नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सुथार स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी कंपनी में किसी फर्म पे प्रैक्टिकली रूप से अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए जाते हैं तो हमारे को जो भी पेपर वर्क प्रोवाइड करवाया जाता है कंपनी के ओनर्स के द्वारा, यानी कि इस तरीके के परचेज वाउचर या सेल्स वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर या बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो उन सब को हमें प्रैक्टिकल रूप से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन करना होता है, ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारे टेली प्राइम का प्रैक्टिकल सेशन का सेकंड वीडियो है और इससे पहले हमने जस्ट जो पार्ट फर्स्ट अपलोड जो किया था उसमें हमने सीखा था भी प्रैक्टिकल रूप से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट की जाती है, और कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद कौन कौन से फीचर्स हमें इनेबल और डिसेबल करने होते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो के साथ साथ हमारे टेली प्राइम का जो पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को समझने में काफ़ी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक पूरा कंप्लीट देखना और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली, बीजी, मारक, फेटेक्स, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिकल सेशन का सेकंड वीडियो। तो दोस्तों, हमारे सामने एक ये परचेज वाउचर्स की इनवॉइस हमारे सामने है और इस इनवॉइस को हम टेली प्राइम में इसकी एंट्री किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें तो इस बात की पहचान करनी है कि क्या ये हमारा सेल्स वाउचर है या परचेज वाउचर है। तो सबसे पहले हमें देखना है भी जो पार्टी, जो सेलर है, उसका नाम हमेशा ऊपर हेडिंग में दिया होता है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो श्याम ब्रदर्स का नाम ऊपर दिया हुआ है और पार्टी में स्मार्ट इंटरप्राइजेस का नाम दिया हुआ है, यानी कि ये सेलर है और ये स्मार्ट इंटरप्राइजेस जो परचेजर है, और हमारी कंपनी का जो नाम है वो स्मार्ट इंटरप्राइजेस है, यानी कि हम इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग हम परचेजर हैं और श्याम ब्रदर्स है जो सेलर है, इसलिए हमारी तरफ से ये परचेज इनवॉइस बनेगा। और इस इनवॉइस के हम टेली प्राइम में किस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम टेली के होम पेज, इसके डैशबोर्ड पे या ऐसे गेटवे ऑफ टेली भी बोल सकते हैं, तो आप देख सकते हो इस गेटवे ऑफ टेली पे होम स्क्रीन पे काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और हमें जो एंट्री करनी है उसके लिए हम इस ट्रांजेक्शन में हेड पे आने के बाद में और इसके वाउचर्स पे एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम वाउचर्स पे आएंगे तो हमारे सामने जो प्रेजेंट टाइम में जो वाउचर ओपन हुआ है पेमेंट वाउचर का, और हमें एंट्री करनी है परचेज वाउचर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में इसका जो शॉर्टकट की है वो F9 है, हम तो कीबोर्ड से हम F9 भी प्रेस कर सकते हैं या यहाँ से हम इस पे परचेज पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे सामने ये पेमेंट वाउचर सेट की ये परचेज वाउचर का ऑप्शन आ गया, और उसके बाद में आगे जो हमें नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पर हमें पोस्ट करना होता है उस इनवॉइस का नंबर, और इनवॉइस का नंबर हमें इसके इनवॉइस से पता चलेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है SB6547, तो ये AGTG नाम हमें यहाँ से उठा के इसको कॉपी करना होता है। तो मैं तो यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली रूप मैनुअल रूप से इसको पोस्ट करना होता है क्योंकि आपके सामने ये केवल प्रिंट आउट होएगा, तो AGTG नाम हमें यहाँ पे रखना होगा। और उसके बाद में जो इनवॉइस की जो डेट है, डेट हमें चेंज करनी पड़ेगी, और डेट आप देख सकते हो यहाँ पर 1 नवंबर यानी कि 1/11/2020 की है, तो और यहाँ पे जो बाई डिफ़ॉल्ट जो डेट आ रही है आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2020 है, तो हमें इस डेट को चेंज करना होगा, और डेट को चेंज करने के लिए हम F2 का बटन यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं 1/11 प्रेस करूँगा, और उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं, तो हम सेम वही नाम SB6547 यहाँ पर वाउचर नंबर भी टाइप यहाँ पर भी करेंगे SB6547, और उसके बाद में 1 नवंबर डेट भी यहाँ पर ही रहेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो परचेज वाउचर में दो जगह में जो डेट है वो मांग रहे हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर तो एंट्री हमें वो देनी है भी जिस दिन हम उसकी एंट्री कर रहे हैं,
और यहाँ पर जो डेट का ऑप्शन आ रहा है वो हमें वो डेट देनी होती है भी जिस डेट का इनवॉइस आपका इश्यू हुआ हुआ है। अब मान लीजिए जैसे कि आप इस इनवॉइस में इनवॉइस की डेट ऑफ इनवॉइस यानी कि जिस तारीख को इनवॉइस बना तो वो 1 नवंबर 2020 को बना है, और आपके पास जो ये जो सामान पहुंच रहा है वो 4 नवंबर 2020 को पहुंच रहा है, तो आप टेली में जो एंट्री करोगे तो यहाँ पर तो आप डेट दोगे 4 नवंबर 2020 की, और यहाँ पर जो डेट आएगी वो 1 नवंबर 2020 ही आएगी, यानी कि जिस दिन आपका इनवॉइस है जो इश्यू हुआ है। तो मेरे पास 1 तारीख में इनवॉइस हो रहा है, 1 तारीख में आ गया, तो मैं ऐसे दोनों जगह भी 1 तारीख ही दे रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है भी आपका इनवॉइस डेट है वो पहले की है और आपके पास जो माल आपने रिसीव किया वो 3 या 4 या 5 दिन बाद में किया है, तो वो आप उस हिसाब से इसकी डेट है जो डाल सकते हैं। और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम हमने पिछली वीडियो में इसका बनाया हुआ है श्याम ब्रदर्स का, तो हम श्याम ब्रदर्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में पार्टी डिटेल्स भी सारी यहाँ पर आ जाएगी, तो हम इसे एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, और इस नेम ऑफ इनवॉइस के आधार पे नेम ऑफ आइटम जैसे कि ये पे सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था भी स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो ये स्टॉक आइटम हमने क्रिएट की हुई है। और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी हम डालेंगे, अब क्वांटिटी इसकी जो है 8 पीस है और इसका 2800 रुपये इसका पर पीस का रेट है, तो सेम वही हम करेंगे 8 पीस और 2800 रुपये पर पीस का यानी कि टैक्सेबल रेट हम यहाँ पर डाल रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो इसका परचेज का जो लेज़र हमने बनाया था भी कंप्यूटर पार्ट्स परचेज एट द रेट GST 18% का, और ये लेज़र भी हमने पिछली वीडियो में ही बनाया है, और हम इसे इंटरप्रेस करेंगे और इस तरीके से सेकेंड आइटम को भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे सीगेट हार्ड डिस्क 500 GB। तो ये स्टॉक आइटम अगर आपके पास देख सकते हो हमारे पास अब एक ही स्टॉक आइटम है, तो अगर इस कंडीशन में अगर हमें सेकंड स्टॉक आइटम अगर हमें बनानी हो यहीं पे परचेज वाउचर पे रहते हुए, तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम चाहे तो यहाँ पे इसके शॉर्टकट क्रिएट बटन पर भी हम क्लिक कर सकते हैं या हम शॉर्टकट कीबोर्ड से Alt+C प्रेस कर सकते हैं। सीगेट 500 GB और ये कंप्यूटर्स का पार्ट है, ये भी हमारा PCS में रहेगा, और GST को इनेबल हम करेंगे, और उसके बाद में इसकी हार्ड डिस्क डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और इसका HSN जो कोड है वो 8471 है, 8471, और इसे हम टैक्सेबल रखेंगे और GST इसका 18% रखेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक आइटम मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की भी है किस तरीके से बनती है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और उसके बाद में यहाँ पे क्वांटिटी, और इसकी जो क्वांटिटी है 5 पीस और 2250 रुपये एक का रेट है, 5 पीस और 2250 रुपये पर पीस का रेट है, तो ये भी हमारा कंप्यूटर 18% में ले जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड आइटम है वो हमारी HP का कीबोर्ड Alt+C से मैं यहाँ पे करूँगा, कंप्यूटर का पार्ट है ये भी PCS में रहेगा, GSTS करेंगे इसको, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कीबोर्ड और इसका HSN कोड, उसके बाद में टैक्सेबल रखते हुए इसको GST 18% इसका टैक्स रेट हम देंगे। और उसके बाद में इसकी जो क्वांटिटी है वो है 10 पीस और 410 रुपये एक का रेट है, और उसके बाद में फोर्थ आइटम जो है डेल का कीबोर्ड, हम डेल का कीबोर्ड की भी आइटम हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद में कीबोर्ड 8471 और इसे टैक्सेबल रखते हुए इसका GST रेट हम 18% देंगे, और उसकी जो क्वांटिटी वो 12 पीस और 435 रुपये एक का रेट है, 12 पीस और 435। तो इस तरीके से और भी स्टॉक आइटम हो सकती है हमारे पास, हम Alt+C से शॉर्टकट क्रिएट करते हुए इन सभी स्टॉक आइटम की एंट्री हम कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास स्टॉक आइटम है जो कंप्लीट हो चुकी है इनवॉइस के अकॉर्डिंग, और इसका जो टैक्सेबल वैल्यू आई है वो 42,970 रुपये आई है, और इस इनवॉइस में हम देखें तो 42,970 रुपये है। अब हमें इस पर टैक्स लगाना है CGST और SGST टैक्स जो कि हमें इस इनवॉइस में लगकर आया हुआ है, CGST 9% और SGST 9%, तो हम इसको इंटरप्रेस करेंगे, तो ये जो कर्सर है वो हमारा इस टोटल के बाद में आ जाएगा,
और यहाँ पर हम लेज़र क्रिएट करेंगे CGST टैक्स और SGST टैक्स का। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर लेज़र नहीं है, तो हम सेम वही Alt+C से शॉर्टकट लेज़र क्रिएट करेंगे CGST टैक्स, और ये अंडर में रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, और उसके बाद में टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को GST करेंगे, और इसमें टैक्स टाइप में हम सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम इसको 0 ही रखेंगे। और इसी तरीके से SGST टैक्स, SGST टैक्स और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स हम GST सेलेक्ट करेंगे, और उसमें टैक्स टाइप में हम स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम इसे 0 ही रखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टैक्स की कैलकुलेशन है इसने ऑटोमेटिक ही कर ली है 3867.30। हम इसको इनवॉइस के साथ मैच करेंगे, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं भी 3867.30 इस परचेज इनवॉइस के अकॉर्डिंग हमारा डाटा जो बिल्कुल मैच कर रहा है, और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद में ये जो फाइनल अमाउंट इसकी जो बनी है 50,704.60, हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 40 पैसे, और नेट अमाउंट इसकी 50,705 हो जाएगी। और हम इसे Alt+C से एक यहाँ पे राउंड ऑफ का लेज़र हम क्रिएट करेंगे, राउंडेड ऑफ, और इसे हम एक बार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे, GST इस पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और अब हमें 40 पैसे ऐड करने हैं, तो हम 0.40 प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50,705 रुपये, और इस इनवॉइस में भी 50,705 रुपये ही हैं इसकी फाइनल अमाउंट ये 40 पैसे को राउंड ऑफ करने के बाद में। तो उसके बाद हमारे से ये ऑप्शन पूछ रहा है प्रोवाइड GST EVA बिल डिटेल्स। तो दोस्तों हमें पता है भी जब भी हम किसी कंपनी से या जब हम किसी को सेल करते हैं, अगर उस प्रोडक्ट की अमाउंट उस इनवॉइस की अमाउंट 50,000 से ऊपर की है, तो हमें EVA बिल बनाना ज़रूरी होता है। लेकिन हम इसके प्रैक्टिकली रूप से इसको सीख रहे हैं, तो अब हमारे पास EVA बिल अभी नहीं है, तो जैसे ही हम इसकी एंट्री हम करते जाएंगे प्रैक्टिकल सेशन में, हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम EVA बिल पे भी एक स्पेशल पर्टिकुलर वीडियो इसका बनाएंगे भी GST इनवॉइस है जो EVA बिल है जो बनता कैसे है पोर्टल पे। तो इसको अगर आपको मैं एक बार यस करके दिखाऊं, तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे से पूछी जाती है भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, और EVA बिल जो कि पार्टी ने हमें इशू करके दिया है उसका EVA बिल का नंबर जो कि 12 डिजिट का होता है, वो EVA बिल हमें यहाँ पर देना होता है। और उसके बाद में डेट, इनवॉइस नंबर, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो एज पर EVA बिल में होता है, वो सब कुछ हमें इसमें पर इसकी डिटेल में पोस्ट करना होता है। तो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इस विंडो को एक बार स्किप कर रहे हैं और न्यू रेफरेंस रखते हुए इसको। और उसके बाद में हमें से ये चीज़ पूछ रहे हैं भी ड्यू डेट क्रेडिट डेज, यानी कि जो आपने ये इनवॉइस परचेज किया, आपको इस इनवॉइस की जो भुगतान है वो कितने दिनों में करनी है, यानी कि आपकी जो इफेक्टिव डेट है वो 1 नवंबर से चालू हो चुकी है। अगर आपको ड्यू डेट इसकी मिली हुई है, तो आप ड्यू डेट भी यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला वैसा भी, आपको क्रेडिट डेज कितने देने हैं, तो आप इसे 0 रख के उस वाउचर को हम। और उसके बाद में नरेशन, नरेशन का मतलब भी अगर इस इनवॉइस से संबंधित हमें किसी भी टाइप का कोई इंक्वायरी हमें लिखनी हो, तो हम इस नरेशन में लिख सकते हैं, जैसे गाड़ी का नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, या हम माल सेल्फ लेके आए हैं, या किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने मंगवाया है, तो ये सब कुछ डिटेल हम इस नरेशन में लिख सकते हैं। और उसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट यानी कि सेव करेंगे, तो हम इसे एक बार एंटर और प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से ये वाउचर हमारा सेव हो चुका है। और उसके बाद में सेकंड इनवॉइस, ये तो था हमारा परचेज इनवॉइस, इस परचेज इनवॉइस की इंटरव्यू इस तरीके से करते हैं। और जब हम अपने कस्टमर को जब इसका इनवॉइस हम बनाएंगे, यानी कि ये तो हमारा परचेज था, अगर हम किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब स्मार्ट एंटरप्राइजेज का नाम है जो ऊपर हेडिंग में हो चुका है, और नेम यानी कि कस्टमर नेम में शिवम का नाम यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अब स्मार्ट एंटरप्राइजेज ने शिवम को ये सामान है जो सेल किया है, और हमारी कंपनी का जो नाम है वो स्मार्ट एंटरप्राइजेज है, आप देख सकते हो। तो इसलिए तो ये जो वाउचर है वो हमारा सेल्स का वाउचर रहेगा, और सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए हम यहाँ से कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे F8, या हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेल वाउचर आ चुका है। और सेल वाउचर की एंट्री करने के लिए हम
यहाँ पे इसका जो इनवॉइस नंबर है SE001, इसकी जो ये वाउचर नंबर है वो हमें टेली प्राइम में यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, SE001। और इसकी जो इनवॉइस की जो डेट है वो भी 1 नवंबर 2020 की है, तो यहाँ पे 1 नवंबर 2020 की डेट है जो ऑलरेडी आई हुई है। और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पर COM का लेज़र हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है अंडर सैलरी डेप्टर में, और इसे हम COM को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में COM की सारी डिटेल है वो आ जाएगी। इसके में एड्रेस टाइप का अगर प्राइमरी है तो ये सारा डाटा एक बार वेरीफाई के लिए आएगा। और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, हमने इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग हमने क्या कुछ इसको सेल किया, यानी कि हार्ड डिस्क 1 TB 2 पीस हमने इसको सेल किए हैं और इसका जो नेट प्राइस है वो 3100 रुपये का है। तो यानी कि हार्ड डिस्क 1 TB हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारी स्टॉक आइटम हमारे पास, और इसकी जो क्वांटिटी प्रेजेंट टाइम है हमारे पास अभी अवेलेबल है, उसके पीस भी इसके सामने ही शो करेगा, हार्ड डिस्क 1 TB और 2 पीस। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आता है रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी कि विद टैक्स अमाउंट GST इंक्लूड की अमाउंट आपने कितनी दी है, यानी कि नेट प्राइस उस पीस का क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट प्राइस पर यूनिट का जो 3100 रुपये है, तो जैसे हम यहाँ पर 3100 रुपये देंगे तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। और उसके बाद में ये हमारे कंप्यूटर पार्ट्स सेल 18% का लेज़र हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। और इस तरीके से ये सेकेंड आइटम कीबोर्ड HP 3 पीस और 440 रुपये का एक है, 3 पीस और 440 रुपये का, यानी कि नेट अमाउंट का ये रेट है 440 रुपये, इसमें GST इंक्लूड है। और इस तरीके से तीसरी आइटम कीबोर्ड L 1 पीस है और 465 रुपये का 1 पीस है, 465 रुपये, ये भी कंप्यूटर GST 18% सेल में जाएगा। तो इस तरीके से तीनों स्टॉक आइटम हमारी कंप्लीट हो चुकी है और तीन ही आइटम है। और उसके बाद हम देख सकते हैं तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी बनी है वो 6,766 रुपये और 95 पैसे बनी है, तो यहाँ पर भी 6,766 रुपये और 95 पैसे की बन चुकी है। अब हमें इस पर CGST और SGST टैक्स हमें चार्ज करने हैं, तो उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, तो ये जो लाइन हमारी इस स्टॉक आइटम की इन्वेंट्री सेट के अब ये लेजर्स के ऑप्शन पर आ जाएगी। और अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा CGST टैक्स और उसके बाद में SGST टैक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो नेट अमाउंट है वो 7,985 रुपये और 1 पैसा बन चुका है और इस इनवॉइस में भी 7,985 रुपये। तो इस तरीके से हमें जो 1 पैसा टेली सॉफ्टवेयर के अनुसार जो फालतू बने इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो इसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर राउंड ऑफ का जो लेज़र अभी ने क्रिएट किया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और हमें 1 पैसा अब कम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले माइनस का निशान हम दबाएंगे, साइन हम करेंगे और -0.01, तो 1 पैसा हमने माइनस कर दिया। तो अब देख सकते हो आप इसकी जो अमाउंट है पूरी 7,985 रुपये हो चुकी है और इसे हम इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद सेम यही न्यू रेफरेंस रखेंगे और ये वाउचर नंबर है यहाँ पे ऑटोमेटिक ही उठा लेगा SC001। और उसके बाद में ड्यू डेट क्रेडिट डेट, यानी कि अब आपने अपने कस्टमर को ये कितने दिनों की उधार के लिए ये सामान आपने सेल किया है, अगर आपने भी इस पर किसी टाइप की कोई कंडीशन लगाई है भी इस अमाउंट का जो भुगतान है वो आपको हमें 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में 6 दिन में करना होगा, तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर वो डेज दे सकते हैं। तो आपको मैं डेज दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपने इसको 5 दिनों की छूट दी है इस इनवॉइस की, यानी कि आपको 6ठे दिन इसकी पेमेंट आनी चाहिए, तो आप जैसे यहाँ पे 5 डेज करोगे तो यहाँ पर आपको डेट भी दिखा देगा 6 तारीख, क्योंकि ये 1 नवंबर का बिल है और 6 तारीख तक इसकी पेमेंट आनी चाहिए। अगर 6 तारीख तक इसकी पेमेंट नहीं आती है तो इस अमाउंट पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और हम इसे एंटर प्रेस करते हुए और उसके बाद में सेम वही ऑप्शन नरेशन के लिए, यानी कि इस इनवॉइस से संबंधित अगर हमें कोई नरेशन कोई रिमार्क्स अगर हमें टाइप करना हो तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यानी कि हम COM को जो सामान सेल किया है, कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने इसको सामान भेजा है, उसका गाड़ी का नंबर क्या है, या COM खुद इस सामान को लेने के लिए आया है, यानी कि किसी भी टाइप का अगर रिमार्क्स अगर हमें लिखना हो तो हम इसके नरेशन के कॉलम में हम लिख सकते हैं। और एंटर प्रेस करेंगे तो हम ये सेव के लिए पूछेगा, तो इसके लिए हम इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये वाउचर भी सेव हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से हम सारे सेल्स के वाउचर हमारे पास होते हैं तो सब कुछ एंट्री हम कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर की एंट्री, चाहे हम कैश के थ्रू भुगतान कर रहे हैं, चाहे हम बैंक के थ्रू भुगतान कर रहे हैं, या रिसिप्ट वाउचर, चाहे हम पैसा नगद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, या हम चेक के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, या बैंक के थ्रू हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री प्रैक्टिकली रूप से किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों अगर ये सब कुछ इसी वीडियो में रहेगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब कुछ हम सीखेंगे पार्ट 3 में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।